सो हेलो एवरीवन, टुडे वी हैव अनदर स्टूडेंट सैंतो दास गुप्ता जो कि आरसीसी में पढ़ाई कर रहे हैं एंड यहाँ पर हम लोग कॉलेज फीडबैक डिस्कस कर रहे होंगे। तो राइट नाउ ये थर्ड ईयर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट इस साल एडमिशन इनका सोच रहे हो एंड आपके मन में जो भी कुछ प्रश्न है लाइक कॉलेज कैसा है, क्योंकि ये ऑलरेडी लगभग काफ़ी दिन गुजार चुके हैं ये राइट नाउ थर्ड ईयर में, तो आपको काफ़ी अच्छे तरह से फीडबैक प्रोवाइड करेंगे। तो सैंतो, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आर प्लेटफॉर्म एंड कई सारे व्यूअर्स पहली बार आपको देख रहे हैं, तो आप थैंक अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहो। यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू इंट्रोड्यूस माय सेल्फ। माय नेम इज सैंतन दासगुप्ता एंड आई एम बीटेक थर्ड ईयर स्टूडेंट एट आरसीसी आईआईटी एंड आई एम परसुइंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। तो अभी तक लाइक आप लगभग 5 सेमेस्टर स्पेंड कर चुके हो, तो कैसा रहा कॉलेज लाइफ? नहीं देखो, पहले तो फर्स्ट 3 सेमेस्टर हम लोग कॉलेज में चला गया, उतना कुछ कर नहीं पाया। फिर फोर्थ सेमेस्टर मतलब हम लोग कॉलेज में 2 सेमेस्टर ही बिताया, ठीक है। अभी तक हाँ मतलब लॉजिकली 2 सेमेस्टर बिताया और अभी थर्ड थर्ड सेमेस्टर चल रहा है, मतलब जो कॉलेज में हम लोग बिताए। फिर पहले 3 सेमेस्टर तो ऑनलाइन चला गया। तो मेरा एक्सपीरियंस रहा कि अच्छा रहा, मतलब बहुत सारे एक्सपोजर मिला मेरे को। कि क्योंकि देखो, आपकी स्कूल लाइफ बहुत मतलब सिर्फ मतलब एकेडमिक ही रहता है, मतलब उतना कुछ एक्सपोजर नहीं मिलता, कुछ उतना कल्चरल एक्टिविटीज नहीं होता प्रॉपर। पर जब कॉलेज में आया तो बहुत सारे इवेंट्स हुआ, तो उसमें पार्टिसिपेट किया, तो एक कॉन्फिडेंस बढ़ा, मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो बढ़ता है कॉलेज आकर, तो वो अच्छा हुआ मेरे। और अगर बोला जाए कि एकेडमिक प्रेशर तो रहता है भैया, मतलब हम लोग सभी मैकआउट यूनिवर्सिटी में बहुत सारे एग्जाम होता है, बहुत सारे इंटरनल, 4 इंटरनल, 2 प्रैक्टिकल के इंटरनल, 3 सेमेस्टर, तो प्रेशर रहता है। पर ठीक है, मतलब कॉलेज यही सिखाता है कि कैसे दोनों एकेडमिक को और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को कैसे मैनेज किया जाता है, ये सीखता है कॉलेज। तो ये मेरे को मतलब पेरेंट्स कैसे करते हैं ये सीखता है मेरे को कॉलेज में आके। कॉलेज कॉलेज लाइफ है वही चीज़ है जो कि आप नया चीज़ सीखते हो, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है काफ़ी बूस्ट होता है। वैसे ये जो कॉलेज है, बता दो व्यूअर्स को, ये सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है। WBG के अंडर में जो कॉलेजेस काफ़ी सारे हैं ना, गवर्नमेंट है, सेमी गवर्नमेंट है, प्राइवेट है। सो RCC इज़ ए सेमी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है। तो यहाँ पर फीस लाइक कितना है 4 साल का राइट नाउ? 4 साल को मतलब लेस देन 4 लाख, ऑलमोस्ट 3 लाख 80 थाउजेंड जैसे है। पर आप अगर मतलब PW का हो या मतलब कैटेगरी स्टूडेंट हो तो बहुत कम लगता है, मतलब उतना ज्यादा नहीं लगता। ट्यूशन फीस नहीं देना पड़ता, ट्यूशन फीस छूट हो जाता है। लाइक यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में आप कुछ डिस्कस करना चाहो, लाइक कैंपस कैसा है, कितना जगह में वो है? ऑलमोस्ट हम लोग का जो कॉलेज है अराउंड 4.65 एकर्स में है। तो ऐसा हम लोग का 2 बिल्डिंग है, एक मतलब बगल बगल में है, 2 बिल्डिंग, एक ओल्ड बिल्डिंग, एक न्यू बिल्डिंग। न्यू बिल्डिंग में ही मतलब लैब्स होता है, फिर जो क्लासेस होता है सेमेस्टर का वो क्लासेस होता है। ओल्ड बिल्डिंग में बुक बैंक है, लाइब्रेरी है, फिर जो एक कैंटीन है, ठीक है, और कॉमन रूम है। कॉमन रूम में जैसे खेलने का जगह, वैसे बैडमिंटन स्पोर्ट, फिर चेस, ऐसा है। एग्जैक्टली कॉलेज कहाँ पर लोकेटेड है, मतलब कैसे जाना होता है यहाँ पर? मतलब अगर आप ट्रेन से ट्रेवल कर रहे तो आप आपको मतलब सेल स्टेशन से जाना पड़ेगा। सेल स्टेशन से अगर जाओगे तो ऑटो से पहुंच जाओगे सीआईटी सियालदह स्टेशन से, मोड़। मतलब सियालदह स्टेशन से ऑटो पकड़ के जल्दी पहुँच जा सकते हैं। हाँ, ऑलमोस्ट सीआईटी स्टेशन, अगर उतरने के बाद अगर एक ऑटो स्टैंड में मतलब ऑलमोस्ट 10 से 15 मिनट में पहुंच जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा। जैसे ये RCC कॉलेज जो है ये मकआउट के अंडर में आता है, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट जो है इस साल एडमिशन इनका सोच रहे हैं, या जब भी ये वीडियो देख रहे हैं एडमिशन इनका सोच रहे हो, तो ये ऑटोनोमस एंड नॉन ऑटोनोमस जो कॉलेजेस होते हैं, लाइक ये जो RCC है ये नॉन ऑटोनोमस, क्योंकि मकआउट के अंडर में कुछ कॉलेजेस है जो देखो ऑटोनोमस में है, लाइक आपका हल्दिया हो गया एंड हेरिटेज भी हो गया, तो बेसिक डिफरेंस क्या होता है, मतलब प्लेसमेंट में क्या कुछ डिफरेंस होता है या लगभग एक ही रहता है? ऑलमोस्ट एक ही रहता है भैया। पर अच्छा, ऐसा होता है कि मतलब मैंने जो देखा, मतलब मेरा जो दोस्त पढ़ता है ऑटोनोमस कॉलेज में और हम लोग तो नॉन ऑटोनोमस पढ़ते हैं, तो ऐसा डिफरेंस है कि जो ऑटोनोमस कॉलेज में है तो उसमें मार्क्स बहुत ज्यादा मिलता है, मतलब जो CGPA होता है, मतलब मार्क्स बहुत ज्यादा मिलता है, क्योंकि पेपर तो कॉलेज ही कॉन्डक्ट कर रहा है, तो बच्चे लोग को मतलब पता चल जाएगा कैसा क्वेश्चन आ सकता है, क्या क्वेश्चन हो सकता है। पर हम लोग का उतना पता नहीं चलता, मतलब टीचर लोग को उतना पता नहीं चलता कि कैसा क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब ऑटोनॉमस में ज्यादा मार्क्स मिलते हैं, इंटरनल में अच्छे मार्क्स मिलते हैं वैसे बता दो एग्जाम मकआउट में। का जो सिलेबस है मतलब काफी आउटडेटेड है, लेकिन फिर भी ट्राई किया गया इसको और इम्प्रूव करने का। लाइक लास्ट ईयर देखो, मतलब लास्ट ईयर नहीं, 2 साल पहले देखो तो और काफी आउटडेटेड था, बट फिर भी लाइक मकआउट ने ट्राई किया गया जो सिलेबस है और उसको इम्प्रूव करने का। तो अभी जो राइट नाउ सिलेबस है काफी आपको चेंजेस देखने को मिलेंगी जो स्टूडेंट इस साल एडमिशन मतलब लेने जा रहे हैं।
अच्छा, जैसे आपने डिस्कस किया था कि वहाँ पर एकेडमिक प्रेशर मतलब अच्छा खासा ही है, तो फैकल्टी कितना सपोर्टिव एंड कितना इंटरेक्टिव है आप लोगों के साथ? नहीं, फैकल्टी तो बहुत ही इंटरेक्टिव, मतलब बहुत ही सपोर्टिव है। मतलब ऐसा है कि अगर मैं फैकल्टी के पास कुछ डाउट लेके जाऊँ, वो ऑलवेज रेडी रहता है कि हेल्प करने के लिए, ठीक है। और ऑलमोस्ट फैमिली ऐसा है, मतलब टीचर लोग पूरा फैमिली ऐसा है। मतलब ऐसा नहीं लगता कि कोई प्रोफेसर से बात कर रहा हूँ, लगता है कोई बड़े भाई से बात कर रहा हूँ ऐसा लगता है, या कोई मतलब मेरी कोई ऐसे ऐसे लगता है कि कोई फैमिली जैसा है ऐसा लगता है। मतलब उतना कुछ मतलब होता नहीं, प्रोफेसर को अप्रोच नहीं कर सकते हैं उतनी, वैसा नहीं होता। मतलब वैसा मैंने नहीं देखा कॉलेज में, मतलब कई से बहुत ही स्टूडेंट मतलब कम मिलते हैं। अलग से मतलब कुछ क्लासेस ज्वाइन करते हैं, पेड कोर्स ज्वाइन करते हैं पढ़ाई करने के लिए, तो ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं पड़ता होगा आप लोगों को? अब अगर ठीक से फॉलो करोगे तो हो जाएगा, अगर आप पूछोगे तो फैकल्टी डाउट सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे कॉलेज को अटेंड कर रहे हो, क्लास को अटेंड कर रहे हो, कितने अटेंटिव हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। वैसे कौन कौन से डिपार्टमेंट है राइट नाउ कॉलेजेस में? हम लोग का यहाँ सीएसई, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन, चार 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 डिपार्टमेंट। और हम लोग का यहाँ एमटेक भी प्रोवाइड होता है, और बीसीए एमसीए प्रोवाइड होता वैसे कंपटीशन एनवायरनमेंट जो कैसा है मतलब कॉलेजेस में, लाइक बच्चों में कैसा कंपटीशन है जो कि काफी जरूरी होता है हर एक कॉलेज में? है। मतलब देखो, हम लोग का कॉलेज मतलब ऑलमोस्ट ऑल कॉलेज इन कोलकाता, ऐसा तो नहीं है कि आईआईटी और एनआईटी लेवल तक नहीं है, तो उस लेवल का कॉम्पिटिशन तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सब फारो लेवल का होगा। तो ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत, मतलब कोई कोई लड़का लोग है बहुत अच्छा है, मतलब पढ़ने में है, कोई कोई मतलब मीडियोकर है, ऐसे ही है। पर एक बात है कि फ्रेंडली है, फ्रेंडली कॉम्पिटिशन। मतलब वैसा नहीं है कि मैं इसको अगर बता दूंगा ये मेरे से ज्यादा मार्क्स ला लेगा तो इसको नहीं बताऊंगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। मैं भी दोस्तों की हेल्प कर देता हूँ, दोस्तों भी मेरे को हेल्प कर देते हैं, ठीक है। फिर जो लड़की लोग मतलब नोट्स अच्छे बनाते हैं तो उनसे मांग लेते हैं हम लोग कि तो ऐसा ही होता है। मतलब बहुत फ्रेंडली मतलब इन्वायरमेंट, मतलब फ्रेंडली कॉम्पिटिशन है ये बोल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो स्टूडेंट WBG के एग्जाम दे करके या JEE Mains के एग्जाम दे करके जब काउंसलिंग करते हैं, तो एक और कॉलेज है BP पोद्दार है, ठीक है, तो बच्चे अक्सर कन्फ्यूज रहते हैं कि BP पोद्दार को मुझे चूज करना चाहिए या मुझे RCC को चूज करना चाहिए, तो यहाँ पर अभी तो लाइक आप 6 सेमेस्टर में हो, तो आपका क्या आंसर रहेगा इसके लिए? दोनों कॉलेज ही मतलब बीवी पोते का तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि बीवी पोते में तो नहीं, मैं नहीं पढ़ता। तो पर आरसीसी का बता सकता हूँ कि हाँ, आरसीसी इंप्रूव कर रहा है, मतलब इम्प्रूवमेंट, कॉलेज इम्प्रूवमेंट में है। तो अगर आप चाहे तो आप आरसीसी में ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। पर हम लोग का मतलब और शायद दोनों का ही कट ऑफ ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है, तो कर सकते हैं। मतलब तो कॉलेज अगर क्योंकि लाइक कॉलेज आप इंप्रूव कर रहा है हर एक साल, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी पे बनता है, प्लेसमेंट कैसा रहा इस साल का 2023 का बात करें? अभी तो 2023 कंप्लीटली पूरा हुआ है नहीं, जो 2023 बैच है, फिर भी जो टॉप के ब्रांचेस हो गए उनका प्लेसमेंट का कैसा हाल है, लाइक एवरेज पैकेज हो गया, हाइस्ट पैकेज हो गया, ऑन कैंपस प्लेसमेंट? ऑलमोस्ट जैसा मेरे को डाटा से पता चला या प्रोफेसर लोग से पता चला, तो हाईएस्ट शायद गया था 13 LP, अराउंड 4 to 5 स्टूडेंट्स को मिला था। फिर उसके बाद मतलब बीएमसी थ्री एक जीरो कंपनी है वो दिया था, थर्टी थर्टी वन थर्टीन वन थ्री 13 LP, हाँ वो हाईएस्ट गया था। फिर 12.5 गया था, वो भी मतलब अराउंड 5 6 स्टूडेंट को मिला था। फिर 8 LP भी गया था, पीडब्ल्यूसी जैसे कंपनी लोग दिए थे। ऑन एन एवरेज 3 to 4 LPA तक रहता है, अराउंड 4 to 5 LPA ऑन तो एन जो एवरेज। टॉप के ब्रांचेस है लाइक CSE सीएसई का ITC, उनके एवरेज पैकेज 4 to 5 LPA रहता है, एंड जो हाइस्ट पैकेज जिन्होंने जैसे मेंशन किया 13, दैट इज 13 LPA तक गया है। ऑफ कैंपस में तो देखो कोई कन्फर्मेशन है नहीं, वो तो लाइक 20 हो सकता है, 40 हो सकता है, 50 हो सकता है, क्योंकि वो टोटली डिपेंड करता है स्टूडेंट पर, एंड ऑब्वियसली मतलब कॉलेज पर भी डिपेंड करता है कि फैकल्टी कितना सपोर्टिव है, फैकल्टी कितना हेल्प करे बच्चों को, ठीक है, तो मैटर करता है ऑफ कैंपस में बच्चे कैसे प्लेस्ड हो रहे हैं। अब जैसे यहाँ पर तो कई सारे कॉलेज में फेस्ट तो होते हैं, ठीक है, तो फेस्ट का क्या सीन है इस कॉलेज में? फेस्ट तो बहुत बड़ा होता है हम लोग कॉलेज, मतलब ऑलमोस्ट 2 मंथ्स अंतर अंतर होते रहते हैं कॉलेज। कुछ दिन पहले हम लोग का एक बड़ा इवेंट हुआ था, जैसे टेक्टिस नाम है उस इवेंट का, हुआ था एक रोबोटिक्स हुआ था, रोबो वार हुआ था। फिर गेमिंग कॉम्पिटिशन हुआ था, फिर एक हैकाथॉन हुआ था, ठीक है, स्मार्ट बेंगल हैकाथॉन हैकाथॉन। फिर हम लोग का स्पोर्ट्स का इवेंट है क्रियाथॉन, वो भी बहुत बड़ा इवेंट होता है, उसमें भी मतलब
ऑल टाइप ऑफ स्पोर्ट्स जैसे वॉलीबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, सभी स्पोर्ट्स का होता है। फिर सबसे बड़ा इवेंट मतलब हर कॉलेज का एक यूनिक इवेंट या कॉलेज को डिफाइन करता है वो इवेंट होता है, सब कुछ ही होता है। तो हम लोग का सबसे बड़ा इवेंट होता है रिगालिया, ठीक है, मतलब उसमें सब बहुत आर्टिस्ट लोग परफॉर्म करने आते हैं, मतलब अच्छे अच्छे आर्टिस्ट लोग परफॉर्म करने आते हैं। तो ये सबसे बड़ा इवेंट है हम लोग का कॉलेज। सो ओवरऑल कॉलेज काफ़ी बढ़िया है, आपको ये हर एक चीज़ मिल रहा है जो कि बाकी सब कॉलेज मिलता है। अब यहाँ पर जो स्टूडेंट लाइक ये वीडियो देख रहे हैं, एंड सपोज आपका WBG में JMS में अच्छा रैंक नहीं आया लेट्स से, देन आपको जो टॉप का कॉलेजेस हो गया लाइक IIM हो गया, हेरिटेज हो गया, टेक्नो मेन हो गया, ठीक है, अगर ये नहीं मिल पा रहा है देन RCC आपके लिए बेस्ट ऑल्टरनेट ऑप्शन हो सकता है। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ ए सेमी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, फीस काफ़ी कम है, फीस ना ही 5 लाख है ना ही 6 लाख है जैसे IIM का है, टेक्नो का है, फीस रीजनेबल है 4 लाख है, ठीक है। एंड जैसे आप वीडियो तो देख ही ली हो तो हर एक चीज़ यहाँ पर आपको बढ़िया मिल रहा है। फिर भी आपके मन में कुछ डाउट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो व्हाट्सअप से कनेक्ट कर सकते हो, आपकी जो भी कुछ क्वेरी सॉल्व की जाएंगी। तो सायंतन थैंक यू सो मच, एंड जो भी व्यूवर्स देख रहे हैं होपफुली उनका सब कुछ क्वेरी रिजॉल्व हो गया होगा।